नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखें कंपनी क्या करती है और कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। थर्ड, स्टॉक वैल्यूएशन कैसा है, क्या वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। फोर्थ, आईपीओ की डिटेल्स चेक करेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पर बने रहना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी 1996 में एस्टैब्लिश हुई थी और इनका जो मेनली मैन्युफैक्चरिंग रोल रहता है वो होता है डिफेंस के लिए इक्विपमेंट बनाना, फिर डेयरी इंडस्ट्री के लिए इक्विपमेंट बनाना, फिर जो मेगा किचन्स, जो बड़े बड़े किचन्स होते हैं उनके लिए इक्विपमेंट बनाना, और सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती है इनके लिए इक्विपमेंट बनाता। तो ये चार वर्टिकल्स हैं इनके, बेसिकली डिफेंस, डेयरी, मेगा किचन और सिक्योरिटी। तो ये चारों वर्टिकल्स में जो है ये कंपनी इक्विपमेंट बना दी है। अगर मैं प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो डिफेंस में आप देखोगे कि ये सभी प्रोडक्ट्स है जिसका कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर जो सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज है उसमें ये सभी प्रोडक्ट्स है जिसका कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। डेयरी में जो है ये प्रोडक्ट्स जो सभी यूज होते हैं उसका कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और मेगा किचन के अंदर जो है उसका कंपनी जो है ये जो सभी प्रोडक्ट्स है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन वेसल्स, फिर राइस स्टोरेज, फिर दाल कुकर, ये वगैरह जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों, एक वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जो है कंपनी एवरी सेक्टर को प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि डिफेंस हुआ या डेयरी के अंदर भी जैसे मिल्क रिलेटेड प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो गई, तो कंपनी का अच्छा खासा जो है एक वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जो है कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अच्छे तरीके से वो और भी इम्प्लीमेंट करेगी, उनके प्रोसेसेस और भी इंप्रूव हो जाए। दोस्तों, प्रमोटर की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है मिस्टर अंकुश है और यही इस कंपनी के प्रमोटर है। सेकंड जो सीईओ है वो है मिस्टर जय शाह। फिर ये जो इनके सीनियर मैनेजमेंट में जो दूसरे जो है जैसे कि मिस्टर पूरवाल ओक, तो वो डीजीएम है सेल्स एंड मार्केटिंग। फिर इनके जो सीईओ डेयरी के अंदर है वो है राजीव दत्ता। तो ये अलग अलग जो इनके सीनियर मैनेजमेंट टीम है जो इनकी वो काफी स्ट्रांग है। दोस्तों, किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल भले ही कितना क्यों नहीं स्ट्रांग हो, लेकिन अगर फाइनेंशियल जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हमें कंपनी के ऊपर इतना भरोसा नहीं आता। तो फाइनेंशियल्स भी कंपनी के चेक कर लेते हैं कि वो कैसे। अगर टोटल एसेट्स की बात करूं तो यहाँ पे जो फिगर्स है वो लैक्स में दिए, तो आपको मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। टोटल एसेट जो मार्च 2019 में थे वो अराउंड 66 करोड़ के थे और सितंबर 2021 तक ये आते आते 58 करोड़ के हो गए। तो टोटल एसेट्स में डिक्रीज हुआ है 66 करोड़ से 58 करोड़। तो यहाँ एक थोड़ा कंसर्न वाला फैक्टर मुझे दिख रहा है कि टोटल एसेट्स कंपनी के डिक्रीज हुए। वहीं अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो 59 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था मार्च 2019 में और मार्च 2021 में ये 36 करोड़ का हो गया। तो ये दोस्तों अगेन जो रेवेन्यू है कंपनी का वो डिक्रीज हुआ है। और अगर मैं सितंबर की बात करूं, अप्रैल से लेकर सितंबर की जो कि 6 महीने का रेवेन्यू होता है वो अराउंड 21 करोड़ के आसपास है। तो अगर दोस्तों 6 महीने का रेवेन्यू 21 करोड़ के आसपास है तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मार्च 2022 तक आते आते ये 21 का डबल मतलब कि 42 करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू इनका हो सकता है मार्च 2022, जो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में ये ज्यादा ही होगा। और अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2019 में सिर्फ 2 करोड़ का था और मार्च 2021 की बात करूं तो ये 1.93 मतलब कि अराउंड 2 करोड़ के आसपास का ही है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें कोई बदलाव इतना देखने को नहीं मिल रहा है। और वहीं अगर मैं सितंबर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो ये 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये हो सकता है 2 करोड़ या 2 करोड़ से थोड़ा ऊपर हो सकता है मार्च 2022 तक। तो ओवरऑल अगर मैं इनके फाइनेंशियल्स की बात करूँ वो मुझे इतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे। हालांकि इन्होंने अपना जो टैक्स जो अपना जो रेवेन्यू या टैक्स की बात करूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो उन्होंने वो मेंटेन कर रखा है। तो ये एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए कि इन्होंने ये मेंटेन कर रखा है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनी का कर्जा कितना है। तो अगर मैं कर्जे की बात करूं तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म बोरिंग देख रहे हो वो अराउंड 12 करोड़ के आसपास है और शॉर्ट टर्म बोरिंग 11 करोड़ के आसपास है और इनका शेयर कैपिटल 19 करोड़ के आसपास है। तो हम इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल देते हैं दोस्तों कि इसका कितना रहेगा। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग को एड करूँ ये 1227 प्लस 1129 तो ये होता है 2356। तो डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों हमेशा 1 से कम होना चाहिए तो वो बेटर होता है। तो यहाँ पे डेट डिवाइड बाय इक्विटी इनका जो है 1924।
तो दोस्तों ये 1.22 आ रहा है, मतलब ये एक से ज्यादा है, तो ये भी अगेन थोड़ा कंसर्न वाला फैक्टर यहाँ पे देख रहा है कि ये एक से ज्यादा है। दोस्तों ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जो इक्विपमेंट ये लोग बना रहे हैं डिफेंस के लिए, डेयरी के लिए, तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। तो ये इंडस्ट्री में आपको हमेशा दोस्तों एक से ऊपर ही दिखेगा डेट, क्योंकि इन इंडस्ट्री में कर्जे के बिना काम नहीं चलता है, कर्जा लेके ही इनका जो है काम चलता है। और दोस्तों इसके अलावा एक और रेशियो चेक कर लेते हैं, जो प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन रेशियो की बात करूं तो इनका सितंबर में जो प्रॉफिट था वो 122 करोड़ के आसपास का था, माफ कीजिए 122 नहीं, 1.22 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। तो अगर मैं प्रॉफिट इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालूं तो ये 122 डिवाइड बाय इनका जो टोटल इनकम है उसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये 2098 है। तो ये इनका जो प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है वो अराउंड 5.81% के आसपास निकल कर रहा है, मतलब 6% के आसपास का इनका प्रॉफिट मार्जिन निकल कर रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन भी इनका काफी कम है। अभी दोस्तों वैल्यूएशन का डिस्कस कर लेते हैं कि वैल्यूएशन का जो जो जिस शेयर प्राइस पे ला रही है तो वो सस्ता है या महंगा है। तो अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूँ तो 39 रुपीज पर इक्विटी शेयर है, और इनका जो ईपीएस जो निकल कर रहा है मार्च 2021 का तो वो 2.31 का निकल कर रहा है। तो मैं दोस्तों ये 39 को डिवाइड बाय 2.31 करूंगा तो यहाँ पे 16 का पीई रेशियो निकल कर रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो दोस्तों मुझे इतना ये जो है ज्यादा नहीं लग रहा है, ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा है, मुझे ये अंडर वैल्यूड ही दिख रहा है, क्योंकि 17 का पीई रेशियो जो है वो हमें ज्यादा नहीं कह सकते। तो वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से ये जो है आईपीओ काफी सही दिख रहा है। और दोस्तों अगर मैं अभी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू की बात करूं तो पहला जो ऑब्जेक्ट रहेगा टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सेकंड जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, थर्ड जो है टू मीट इश्यू एक्सपेंसेस। तो ये जितने भी एसएमई आईपीओस होते हैं उनका ऑब्जेक्ट जो हमेशा जो रहता है मुझे जहां तक मुझे दिख रहा है वो काफी सिमिलर होता है, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो भी इनके डे टू डे ऑपरेशन रहते हैं उसका उसके लिए इनको फंडिंग चाहिए होती है, इसके अलावा जो दूसरे इनके खर्चे होते हैं उसके लिए इनको फंडिंग चाहिए होती है। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू जो का है काफी सिमिलर है। और दोस्तों अगर मैं अभी आईपीओ डिटेल्स की बात करूं तो ओपनिंग डेट जो है मार्च 25 2022 का रहेगा, क्लोजिंग डेट मार्च 29 2022, इश्यू टाइप बुक बिल्डिंग इश्यू, फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर, आईपीओ का प्राइस रहेगा 37 से लेकर 39 रुपीज के बीच में। तो आपको जो है कट ऑफ प्राइस जो है ₹39 का, उस पर ही आपको जो है हमेशा अप्लाई करने का है, कट ऑफ प्राइस पे ही। मार्केट लॉट जो रहेगा मिनिमम 3,000 शेयर्स का रहेगा, और इसका जो लिस्टिंग रहेगा वो एनएससी एसएमई पे रहेगा। इश्यू साइज की बात करूं तो बहुत छोटा इश्यू साइज है, 12 करोड़ के आसपास का इश्यू साइज है, और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। और QIB शेयर्स की बात करूं तो 50% QIB को दिए जाएंगे, रिटेल शेयर्स में 35% और HNI कैटेगरी में 15% जो है अलोकेट किए जाएंगे। और दोस्तों अगर आप आईपीओ को अप्लाई करते हो, अगर आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो अलॉटमेंट जो डेट रहेगा वो 1 अप्रैल 2022 रहेगा, रिफंड आ जाएगा इनकेस अगर आपको अलॉट नहीं हो रहा तो रिफंड आ जाएगा 4 अप्रैल 2022, डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 5 अप्रैल 2022, और लिस्टिंग डेट जो रहेगा वो 6 अप्रैल 2022 का रहेगा। मिनिमम जो मैंने लॉट साइज बताया 3,000 शेयर्स का रहेगा, और जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1,17,000 रुपए। तो मिनिमम आपको 1,17,000 रुपए चाहिए इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और अगर मैं प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूं तो इश्यू आने से पहले 100% थी, इश्यू आने के बाद 73% की हो जाएगी प्रमोटर होल्डिंग। तो अभी भी मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के बाद पास रहेगी, तो एक अच्छी चीज है इस कंपनी के लिए। दोस्तों ओवरऑल अगर हम डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं दोस्तों, तो मेरे ख्याल से जैसे फाइनेंशियल्स मुझे काफी ठीक ठीक दिखे, और वहीं जो कंपनी का बिजनेस मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि कंपनी डिफेंस सेक्टर को, इसके अलावा कंपनी डेयरी सेक्टर को, और कंपनी जो दूसरे दो सेक्टर है सिक्योरिटी सर्विसेज और इसके अलावा एक जो सेक्टर है उन सबको जो है कंपनी कैटर करती है, तो मुझे इनका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा दिखा है। और इसके अलावा दोस्तों वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी मुझे ये सही दिख रहा है, मतलब इस वैल्यू पे हम चाहे तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, एक तो आप ये कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना, एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आपको इनफ कैपिटल होना चाहिए आपके पास, अगर आप 1,17,000 रुपए लगा रहे हैं इस आईपीओ के लिए तो आपके पास मिनिमम 10-11 लाख का कैपिटल होना चाहिए, तभी आप इस आईपीओ में 1,00,000 रुपए लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना। और तीसरा ये कि दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो सब्सक्रिप्शन देख लेना कि ये आईपीओ कैसा सब्सक्राइब हो रहा है,
रहा है, अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं करना है। अगर ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा इसका मतलब ये कि इस आईपीओ को इतना जो है अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, अगर अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मतलब नहीं बनता है उस आईपीओ में अप्लाई करने का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।